करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी में पौधारोपण कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने संस्थान के प्रांगण में पौधारोपण किया। इस मौके पर उनके साथ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी के निदेशक डॉक्टर आर एस पन्नू भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र के लिए देश भर में बेहतरीन योजनाएं लागू कर रहे हैं और संस्थान उनका जन्मदिवस पौधा लगाकर मनाने में गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वो किसानों के लिए कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि इससे किसान देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। इस मौके पर उन्होंने अनुसंधान केंद्र उचानी में किए जा रहे कृषि अनुसंधानों पर भी जानकारी दी। इस दौरान संस्थान के अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी के निदेशक डॉक्टर आर एस पन्नू ने कहा कि संस्थान पर समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, जिनके माध्यम से किसानों को कृषि के अत्याधुनिक कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि पीएम मोदी का किसानों की आय दुगनी करने का सपना साकार हो सके। देखिए करनाल से विशेष समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हाँ जी, आज का क्या कार्यक्रम रहा संस्थान में, इसके बारे में जानकारी दी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्मदिवस है। ये जन्मदिवस हम उनकी सेवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने पौधारोपण किया है। और आज के दिन हम जो ये पौधारोपण शुरू की है, तो लगभग हम 500-600 पौधे केवल इसी कैंपस में लगाएंगे, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो सके। पौधों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस मौके पर यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि जो हम पौधे रोपण करते हैं तो ये एक शुद्ध वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगा सकें। और लगाने के अलावा मैं एक और मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो पौधा हम लगाएँ वो जीवित रहे, उसकी तरफ आगे पूरा ध्यान दें, ताकि वो बड़े होकर वातावरण शुद्ध करें। दूसरा एक और मेरा मैसेज ये भी है कि आजकल आप देखते भी हैं कि अध्यादेश के बारे में किसान काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी चर्चाएं हमारी होती हैं, तो उस बारे में मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है दूरगामी, वह हम किसानों की हालत को कैसे सुधार सकते हैं, तो उन्हीं के लिए ये अध्यादेश लाए गए हैं। और इनमें बहुत सी जो किसानों की समस्याएं हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होंगे तो वो दूर होंगी, किंतु थोड़ा सा इसके बारे में किसानों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। संस्थान हमारा जो ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल, जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उसका ही एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, उसके अंदर ये काम करता है। और यहाँ पर मुख्यतः तौर पर मक्की और गन्ने में रिसर्च होती है, और यहाँ पर इतनी बढ़िया पिछले कुछ सालों में हुई कि सेंटर ने यहाँ पर 3 बार एक बेस्ट एक्सीलेंस सेंटर का मक्की में भी और गन्ने में भी और वीड कंट्रोल में भी यहाँ पर एक अवार्ड दिया है। और यहाँ लगभग तकरीबन 14-15 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मक्के की निकली है, कि जो कि जिनकी पैदावार जो भी प्राइवेट में आज के दिन उनसे कम नहीं है, और कई प्रदेशों में वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इसके अलावा गन्ने की भी यहाँ पर 12 किस्म आज तक निकली हैं, जो कि स्टेट की इकोनॉमी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं। हाल ही में COH 160 वैरायटी, जो गन्ने की एक बहुत बढ़िया वैरायटी है, वो यहाँ से निकाली गई है। और इस स्टेशन पर इसके अलावा सब्जियों के बीज का भी मतलब उत्पादन किया जाता है, उन पर खोज भी की जाती है, और दूसरे गेहूँ पे, इस पर धान पे, इन पर भी यहाँ पर खोज का काम किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि जब भी हम कोई खोज करते हैं तो उस खोज का किसानों तक पहुँचना बहुत आवश्यक है, और वो उसके लिए यूनिवर्सिटी का एक अलग विभाग भी है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। किंतु इसके साथ साथ जो हमारे रिसर्च के साइंटिस्ट हैं, वो भी भाई हमारी जो ये
कोई भी तकनीक विकसित है या कोई वैरायटी है किसानों तक तो जल्दी पहुंचे, समय समय पर यहां पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, कार्यशाला ऑर्गेनाइज करती है, सिंपोजियम बना करती हैं, तो ताकि वो मैसेज सभी को पहुंचे कि ये जो नई तकनीक या वैरायटी आई है तो इसका किसान जल्दी से जल्द उसका पालन कर सके। इस संस्थान में गेहूँ और मक्की की जो रिसर्च की जाती है तो उसमें हमारा गन्ने में नॉर्थ इंडिया को तो लगभग हमारी वैरायटी कवर करती है, सबसे ज़्यादा इनकी पसंद करते हैं लोग। रही बात किसानों की, हरियाणा में जहाँ से मैसेज आ जाता है किसी भी किसान की ये समस्या गन्ने में है, ये मक्की में है, ये वेजिटेबल में है, यहाँ से पूरी टीम जाके उसका पूरा समाधान करके आते हैं, जाके किसान को सेटिस्फाई करके आते हैं। कहीं भी किसी किसान को समस्या इस संस्थान के होते हुए नहीं आने देते हैं पूरे हरियाणा में। हम खुद जाते हैं वहाँ, किसान को टेलीफोन करना, बस पहुँच जाते हुए पूरी टीम लेके। आज कार्यक्रम है, हमने पौधारोपण की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पर, ताकि एनवायरनमेंट को शुद्ध किया जा सके। सबसे पहले एनवायरनमेंट शुद्ध करना है, और ये मौसम अंजीरी का जैसे प्राणी के ऊपर है, रोज मीटिंग हो रही है। एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए अब किसानों को भी ये कहते हैं, अभी पेड़ पौधे लगाओ, छोटे पौधे होंगे तो वो भी अपने को बचाएंगे फूकने से, दूसरे प्राणी को सोचेंगे भी बाग लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, ये ख़राब ना हो हमारे, वो भी पॉल्यूशन पे कंट्रोल होगा। उसकी शुरुआत की है ये हमने, और हमारा ज़्यादा ध्यान आज और दूसरे प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कंबाइंड फार्मिंग, छोटे फार्मर के लिए स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट शुरुआत जो कर रही है उनकी तरफ हमारा पूरा जोरदार मतलब कदम आगे बढ़ेगा, और उसके ऊपर हमारी पूरी टीम तैयार है। वीसी साहब की लीडरशिप में ना अब ये बिल्कुल इनकी तरफ से खुली छूट है, और इनकी लीडरशिप में हम इस काम को बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी का सपना जो डबल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी किसान की हालत ख़राब नहीं रहेगी, ये गारंटी हम देकर चलते हैं। उसी हिसाब से हर प्रोग्राम को हम दिल और जान से सींचेंगे। किसानों को ये कहेंगे हम कि जो हमारा पुराना सिस्टम था, अब किसान का बच्चा खेत से दूर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्यों? किसान के खेत में पहले बच्चा, पड़ोसी का बच्चा जिसका खेत नहीं था, वो बच्चा भी खेत में जाता था। क्यों जाता था? किसान के खेत में 12 महीने कुछ खाने का होता था। अब किसान ने क्या गलती कर रखी है, खेत में एक भी पेड़ नहीं है, कुछ किसान तो बिल्कुल कटवा दिए, छाए नहीं बैठने के लिए। पहले 10-12 टाइप के बूटे होते थे, हर सीजन में कोई ना कोई फ्रूट होता था। बच्चे, औरतें, पड़ोसी के बच्चे भी उनके साथ लग के खेत में जाते थे। किसानों से हम ये प्रार्थना करते हैं, अगर जो वो चीज़ है ना छोटी सी, इतनी कम से कम मतलब 100-200 गज जगह में उतनी पैदावार नहीं होती जितना वो ये किचन गार्डनिंग टाइप और फ्रूट के पौधे लगा लेंगे, उससे आमदनी ज़्यादा होती है और घर के खर्चों में कटौती आ जाएगी, और बच्चे शुद्ध फ्रूट खाएंगे, वो चीज़ उसकी तरफ हमारा सबसे बड़ा ध्यान रहेगा। एक मेरा स्पेशल मैसेज किसानों को जरूर पहुंचाओ कि पराली को में आग नहीं लगानी, इसके लिए बहुत हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, तो वो अपनाएं और गेहूं की बिजाई करें। किंतु क्योंकि अगर पराली जलाते हैं तो ना केवल उससे पोषक तत्व सारे हमारे नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वो कई तरह की गैसेज एनवायरनमेंट में छोड़ती है और उससे हमें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस और उसका एक और भी नुकसान है, अगर हम पराली को जलाएंगे तो जो सूक्ष्म जीव हमारे ज़मीन में है, जो इनका भी बहुत रोल है ज़मीन को बनाने में, वो भी मर जाते हैं। हमारा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि बहुत ज़रूरी है उपजाऊ शक्ति के लिए सॉइल की, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो पराली बिल्कुल सीधा सा संदेश यही है कि किसान भाइयों पराली को ना जलाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।